रेप के मामले में दोषी राम रहीम की पेरोल के दौरान प्रवचन देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विवाद बढ़ता देख हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पेरोल पर आकर तो लोग रैली भी संबोधित करते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। सीएम खट्टर ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। राम रहीम ने जो गुनाह किया है उसकी सजा वह काट रहा है। खट्टर ने यह कहा कि अपनी अपनी आस्था का विषय है कि कौन प्रवचन सुनने जा रहा है और कौन नहीं। जिस नाते से उनके खिलाफ अपराध की धाराएं चली, कोर्ट ने अपना संज्ञान लिया, सीबीआई ने संज्ञान लिया, उनको सजा हो गई। सजा के बाद उनको पेश करना है सरकार को, सरकार ने पेश कर दिया, जेल चले गए, जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। सजा काटने का तो वहाँ के जेल के मैनुअल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किसको पैरोल देना किसको नहीं देना, पैरोल देने के समय भी एजेंसी से भी पूछा जाता है, एजेंसी से अपनी रिपोर्ट देती हैं। तो एज पर जिसको कहना चाहिए एक रूटीन से जो चीज़ें होती हैं उसमें सरकार को कुछ बोलना नहीं होता। फिर भी किसी को किसी प्रकार का कोई एतराज़ हो, जैसा आपने बताया कोर्ट में भी चले गए, जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट में जाए, कोर्ट फैसला करेगा गलत कहाँ है ठीक कहाँ है, लेकिन हमारा इससे कोई सीधा संबंध नहीं इस बात का।